न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देवरिया से है। बता दें कि यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद देवरिया पहुंचे, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी देवरिया पहुंचे हैं और दोनों अधिकारी स्टेट प्लेन से देवरिया पहुंचे हैं। रुद्रपुर में 6 लोगों की हत्या मामले की जांच कर रही है। मौके पर दोनों अधिकारी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे। सीएम के आदेश पर दोनों अधिकारी देवरिया पहुंचे हैं। सीएम योगी इस घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो देवरिया हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि जमीन के विवाद को लेकर यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें 6 लोगों की हत्या की गई है। यूपी प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद देवरिया इसी मामले को लेकर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे हैं देवरिया, और साथ में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी देवरिया पहुंचे हैं, जहां पर जाकर इस मामले की पूरी जानकारी वो सीएम योगी आदित्यनाथ को देंगे। साथ ही बता दें कि रुद्रपुर में 6 लोगों की हत्या मामले को लेकर यह जांच की जा रही है। मौके पर दोनों अधिकारी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे। सीएम के आदेश पर दोनों अधिकारी देवरिया पहुंचे हैं। पुलिस बल इलाके में तैनात है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये मामला दो पक्षों के साथ साथ दो जातियों का भी है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल फिलहाल देवरिया में तैनात है। दुबे जी जो अभी प्रथम दृष्टया जो पता चला है, जो दुबे जी जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, उनके भाई हैं और उनके भाई ने अपने हिस्से की जमीन एक सज्जन जो दूसरे पूर्वे में रहते हैं उनको बेची थी, और उसको लेकर के शायद जो दुबे जी का परिवार है वो उसने कुछ आरोप लगाए थे दूसरे पक्ष पे कि उन्होंने उनके भाई को बहला फुसला करके उस जमीन को अपने पक्ष में कराया है। और लेकिन उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो काफी समय से चल रही थी, और उसको लेकर के इनके बीच में थोड़ा तनाव था। और आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सुबह क्या ऐसी बात, क्या बात हुई जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बारे में अभी हम लोग अब जानकारी और हासिल कर रहे हैं। एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। हत्या के मामले में अभी एडीजी गोरखपुर अखिल कुमार साहब हम पहुंचे हैं यहाँ मौके पर। जानकारी मुझे सुबह में प्रेम यादव जी नामक व्यक्ति हैं जो सत्यप्रकाश दुबे जी के यहाँ गए थे, जो दूसरे टोले में रहते हैं जी। और सत्यप्रकाश दुबे जी के यहाँ उनकी किसी बात पर विवाद हुई जहाँ उनकी हत्या होती है। ये सूचना जब इनके टोले के लोगों को पता लगता है तो यहाँ से लोग जाते हैं वहां पर, और सत्यप्रकाश दुबे उनके परिवार पर हमला कर देते हैं, जिससे 6 लोग घायल होते हैं, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस की जैसे ही जानकारी मिलती है कंट्रोल रूम के माध्यम से तत्काल स्थानीय SHO आ जाते हैं, और पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भी मौके में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जो अग्रिम कार्रवाइयां अपेक्षित हैं वो की जाती हैं। घटनास्थल सिक्योर करते हैं, लोग टीमें बनाते हैं, जो अभियुक्त हैं उनके चिन्हांकन और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। पीड़ित जो पक्ष था उनको शुरू में सब इंजर्ड थे, हॉस्पिटल भेजा गया था समुचित इलाज के लिए, जहां 5 की डेथ हो गई और 1 का इलाज चल रहा है। उनके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। घटना आज की क्यों हुई है इसके कारण बहुत अभी स्पष्ट नहीं है। इनके पीछे एक जमीनी विवाद है जो प्रेम यादव के पक्ष में डिसाइड भी हो चुका था, बट वही एक कसीदगी लगता है इन दोनों के बीच में थी, वही आज के एक आकस्मिक कारण बनी और जिसको एक फेटेलिटी एक्ट है। आज की घटना में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो पहला किसी आपसी विवाद में घटित हुई होगी, लेकिन दूसरी घटना सोची समझी रणनीति के तहत और रिटेलिएटरी हुई है, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां पूरा परिवार ही खत्म होता है, खास करके बच्चे भी उसमें मर जाते हैं। तो उनमें हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। स्थानीय थाने की भी भूमिका की बात हो रही, चूंकि थाने को सब पता था और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी सब पता था, तो उनके खिलाफ भी कोई अगर मामले में कोई जानकारी मिलती है तो होगा कार्रवाई? एकदम देखिए सभी जानकारी करेंगे। अभी तक प्रथम दृष्टया ऐसी कोई चीज नहीं पता लग रहा है जिसमें आज के दिन में कोई लापरवाही हुई हो। इस तरह के विवाद होते हैं लोगों के बीच में, और जैसा मैंने कहा कि जो अभी तक हमें जानकारी मिला है कि विवाद
प्रेम यादव जी के पक्ष में सेटल हो चुका था। जो सतप्रकाश दुबे जी के ब्रदर हैं, उन्होंने अपनी एक जमीन उनके पक्ष में लिख दी थी, ये जानकारी मिली है। परंतु सभी बिंदु पे छानबीन की आवश्यकता है, ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन सभी बिंदुओं में छानबीन की जाएगी। ये निष्कर्ष पे पहुंचना कि कोई एक दोषी है चाहे राजस्व का या पुलिस का, ये सही नहीं होगा। बट मैं अश्योर करता हूं कि अगर कभी भी किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर से पाई जाएगी तो प्रदेश सरकार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घटना की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और इसी कारण वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। प्रमुख सचिव गृह और एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी देर में यहां आएंगे भी। प्रदेश सरकार और पुलिस और राज्य प्रशासन गंभीर है। जो भी जिस प्रकार का दोषी जिस स्तर पे होगा घटनाक्रम को लेकर, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है? देखिए, 12 लोग हिरासत में भी ले लिए हैं और अग्रिम और प्रयास की जा रही है, उनमें हम लोग छानबीन करके जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो लगातार जो जांच है वो जारी है, एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट देवरिया। तो अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, आपसे जाना चाहूंगी फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि बताया जा रहा है वहां पर स्पेशल डीजी पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह भी पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी? देखिए, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी निकल चुके हैं यहाँ से। दोनों लोगों ने पूरे घटनास्थल का मुआयना किया, जानकारी ली और जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं उनको सख्त निर्देश दिए, क्योंकि पूरे मामले में मुख्यमंत्री जी की नजर है, वो समीक्षा कर रहे हैं। उनके गोरखपुर रहते इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसको लेकर बेहद नाराज है, बेहद सख्त है, और यही वजह है कि तमाम जो आला अधिकारी हैं इस समय वो देवरिया पहुंचे हुए हैं। इस मामले में तहरीर दी जा रही है और तहरीर देने के बाद मुकदमा दर्ज होगा। 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। अब पुलिस की जो सबसे बड़ी जो जांच का विषय है, जो जिस बिंदु पर पुलिस का सबसे ज्यादा फोकस है, वो कि आज सुबह ऐसा क्या हुआ कि जो प्रेम यादव है उनको दूबे परिवार अपने घर में बुलाता है, फिर उनकी हत्या होती है और बदले में फिर कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं दूसरे टोले से और 5 लोगों की हत्या कर देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, कौन लोग थे, किसको फोन गया, तो तमाम जो जांच का विषय है इस बिंदु पर पुलिस आगे बढ़ रही है। फिलहाल प्रमुख सचिव जी और स्पेशल डीजी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं जी। और बिल्कुल अमित, क्योंकि लगातार यहां पर जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन अगर मुख्य आरोपी की बात की जाए तो उनके बारे में अभी तक क्या जानकारी लग पाई है? देखिए, अभयपुर टोला जहां के प्रेमचंद यादव रहने वाले थे, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य जिनकी सबसे पहले हत्या हुई थी, उनके ही समर्थक बताए जा रहे हैं और अभयपुर टोला से ही 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभयपुर टोले में ही अभी भी पीएसी और पुलिस के जो जवान है बड़ी संख्या में मौजूद है और अभी भी पुलिस सघन जांच अभियान चल रही है, अभी भी कई लोग हिरासत में लिए जाएंगे। क्योंकि अभी तहरीर दी जा रही है, मुकदमा अभी दर्ज हुआ नहीं है, तो किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, किनके किनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, नामजद कितने होंगे, इसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कितने लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। लेकिन इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री जी बेहद सख्त है और पूरे मामले पर उनकी नजर बनी हुई है, तो ऐसे इस मामले में कार्रवाई ऐसी होगी कि गंभीर बने। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।